गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चना कुलचा विद अ ट्विस्ट। वो कौन सा ट्विस्ट है आइए मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज हम यूज करेंगे बॉइल्ड व्हाइट चने, जागरी मतलब गुड़, टमेटोस टमाटर और ये कैरेट, मूली, अनियन, प्याज और ये है ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च और पुदीना यूज करेंगे। आप चाहे तो पुदीने के पत्ते को थोड़ा सुखा के उसका ऐसे पाउडर भी बना के रख सकते हैं, मैंने वैसे ही किया हुआ है। तो आइए इमली के पानी से चटनी का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गाइज आप सोच रहे होंगे चटनी का ट्विस्ट, चटनी का प्रोसेस क्या चीज है। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे बाजार में फ्राइड चने जो भी आप कुलचे के साथ खाते हैं तीखे, वो हम नहीं बनाएंगे। हम एक सिंपल सा कुलचा बनाने जा रहे हैं बन के साथ। तो ऐसे तो एक जो चने का वैसे मिश्रण मेन होता है वो बना लेंगे और एक हम इमली वाली चटनी बनाएंगे, वो भी खट्टी मीठी बनेगी, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। तो आपके कुलचे बाजार जैसे ही हो जाएंगे। इसमें हम कोई सोया सॉस नहीं यूज करें, कोई टमाटो सॉस, कोई चिली सॉस, कुछ नहीं यूज करेंगे। आइए चटनी का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गाइज मैंने एक यहाँ छोटी कटोरी ले ली है, जो इमली का पानी मैंने बना के रखा हुआ है वो हम 5 से 6 चम्मच इसमें डालेंगे। तो ये हमारा इमली का पानी, अब हम 1 चम्मच इसमें गुड़ डाल देंगे। अब इसको मिला देंगे। तो गाइज हम इस मिश्रण को थोड़ा साइड पे रख देंगे कि ये अच्छे से घुल जाए। अब हम चने का मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम ये चने एक खुले बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब दोस्तों अब इसमें हम टमाटर, प्याज, मूली और हमारी हरी मिर्च सब ऐड कर देते हैं। तो गाइज अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मसाले, ये पुदीना, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और चाट मसाला, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों जो ये हमने इमली वाला पानी बनाया था ये हम डाल देते हैं इसमें। अब हम इस मिश्रण को मिक्स कर देंगे। गाइज ये बहुत ही हेल्दी है इस टाइम में और होममेड है, ये बात आप ध्यान पे रखें। कुछ भी बाजार का मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ सिवाय बन के, वो भी पैक्ड बन लिए मैंने, जो चने कुलचे वाली शॉप या रेडी से मैंने खुले नहीं लिए हैं, उसको भी हम यूज़ करेंगे एंड में फिलिंग के लिए। बन का भी एक स्टेप है और आप कैमरे में देख सकते हैं कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं गाइस। तो गाइस अब बारी आती है हमारे बन की, तो इसको हम बटर की कोटिंग देंगे। तो गाइस हमने पैन को प्रीहीट कर लिया है। तो गाइज मैंने 2 बन ऐसे ही बटर कोट कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम इसको कट करेंगे। तो गाइज हमारा टेस्टी फिलिंग वाला कुलचा बन चुका है, आप भी ये खाएं और इंजॉय करें। बाय।